नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनबी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हमेशा सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी एक साल का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में हलचल अभी से तेज हो गई है। पक्ष और विपक्ष चुनाव जीतने की होड़ में एक दूसरे को मात देने में लगे हुए हैं। जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का सहारा ले रही है, तो वहीं बीजेपी ने दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया है। राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव जीतना कितना चुनौतीपूर्ण है, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने 16 और 17 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया है। ये बैठक नई दिल्ली में होगी। दो दिन तक चलने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बता दें कि इससे पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक को संबोधित करेंगे। अगले दिन प्रधानमंत्री बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। बैठक से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय पद अधिकारियों की एक बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए कार्य सूची को अंतिम रूप दिया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटेल चौक से संसद मार्ग तक रोड शो किया। बीजेपी दो बार से लगातार केंद्र की सत्ता में है और इस बार वह सत्ता बचाने के लिए मैदान में उतरेगी। उसे इस बार कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें जीती थी। इसमें उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य शामिल हैं जहां उसने 100% सीटें जीती, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि जनता के मुद्दों को देखते हुए बीजेपी की छवि थोड़ी धूमिल होती नजर आ रही है। क्योंकि पिछले 8 सालों में जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे जोर पकड़ रहे हैं, उससे बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव जीतना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं बीजेपी के सामने 2024 के चुनाव में न केवल ज्यादा से ज्यादा सीटें बचाना, बल्कि अन्य राज्यों में नई सीटें जोड़ने की भी चुनौती है। इसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी हार गई थी। ये साफ है कि बीजेपी पिछली बार की जीती सीटों पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। बीजेपी ने नई सीटों के लिए दक्षिण भारत पर फोकस करना काफी पहले से ही शुरू कर दिया है। उसे उम्मीद है कि उत्तर भारत से जितनी सीटों का नुकसान होगा, उतनी सीटों की भरपाई वह दक्षिण से कर सकती है। बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे बन सकती हैं, जिसे बीजेपी को आर्थिक मोर्चों की तैयारियों से भी निपटना होगा। महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे हैं, लेकिन ये विपक्ष पर निर्भर करेगा कि महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को हथियार बनाकर बीजेपी को हार की तरफ कैसे धकेला जाए। कांग्रेस की तरफ से इसकी कोशिश हो रही है, लेकिन वह चुनाव में कितना असर डालेगी, यह विपक्ष की ताकत और बीजेपी की रणनीति पर निर्भर करेगा। इस वक्त बीजेपी के लिए महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का लोन माफ जैसे कई मुद्दे चुनौती बने हुए हैं। वहीं जहां एक तरफ बीजेपी के सामने लोकसभा चुनाव को लेकर कई चुनौतियां हैं, तो विपक्ष भी चारों तरफ से चुनौतियों से घिरा है, जिसमें विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती पीएम पद के लिए चेहरा चुनना होगी, जिससे लड़ना उनके लिए शायद बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी की सबसे बड़ी यूएसपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। उन्हीं के सहारे पार्टी ने 2024 में और फिर 2019 में भी सत्ता हासिल की, जिसके चलते विपक्ष के सामने नरेंद्र मोदी के मुकाबले पर कोई मजबूत चेहरा उतारना एक चुनौती होगी। देखना ये होगा कि क्या विपक्ष इस चुनौती से लड़ने के लिए कोई ऐसा चेहरा सामने रखेगा जो मोदी को सीधी टक्कर दे सके। वह कौन होगा और क्या उस चेहरे के पीछे सारा विपक्ष एकजुट होगा, इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि इस फ्रंट पर बीजेपी को चुनौती का सामना करना होगा या फिर उनके लिए यह राह आसान होगी। वहीं इसके अलावा भी विपक्ष के पास कई ऐसी चुनौतियां हैं जिसे उसे लड़ना पड़ेगा। भाई भतीजावाद, पार्टी में फूट, बागी नेता जैसी कई चुनौतियों से विपक्ष घिरा हुआ है। वहीं चुनाव से पहले तो विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में दिखता है, लेकिन पिछले दो बार से यही होता आया है कि चुनाव आते आते
विपक्ष की सारी रणनीति ढह जाती है और फिर पूरा विपक्ष बिखरा हुआ नजर आता है। अभी राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही है। कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी है और बीजेपी ने उन पर अटैक करना कभी कम नहीं किया। बीजेपी को पता है कि कांग्रेस को इस फ्रंट पर कैसे घेरना है। कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी ही है जिसकी इस वक्त दो जगह सरकारें हैं, दिल्ली और पंजाब। आम आदमी पार्टी अभी से माहौल बना रही है कि नरेंद्र मोदी का मुकाबला अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं, लेकिन उन्हें दूसरी पार्टियों का कितना सपोर्ट मिलेगा यह अभी नहीं कहा जा सकता है। दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आएंगे ऐसा कहना फिलहाल अभी नहीं होगा। जिस तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर अटैक करते हैं, उससे विपक्ष एकता कैसे आगे बढ़ेगी इसकी राह अभी साफ नहीं दिखाई देती है। हालांकि जिस तरह सीबीआई और ईडी से विपक्षी दल परेशान हैं और पीएम मोदी पर इन संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लग रहे हैं, उससे सीबीआई और ईडी एक ऐसी कड़ी हो सकती है जिसके नाम पर विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो सकता है। लोकसभा चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष पार्टियों के सामने चुनौतियां तो बहुत हैं। अब इन चुनौतियों से पार्टी कैसे निपटेगी यह आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज़।